क्रियाकारकः कुतूहलम्। ये तृतीय पाठ में बोला गया है। ये प्रस्तुत पाठ में जो है सरल शब्द के माध्यम से क्रिया और कारक, कारक मतलब जो है शब्द को जोड़ने वाला को क्या बोला जाता है, कारक। जिस प्रकार राम रावण मारा, ये शब्द क्या है, तीनों शब्दों को जोड़ने वाला शब्द को कारक कहते हैं। राम रावण मारा, जैसे उदाहरण दे रही हूँ राम रावण मारा, तो ये कारक के बिना पूरा नहीं होगा, राम ने रावण को मारा। तो इसी प्रकार है ना, इसी को कहते हैं कारक। और ये क्रिया और कारक को बोला गया है लकारों का बोध कराते हैं। क्रिया कारक कुतूहलम्, ये श्लोक में जो है क्रिया कारक के माध्यम से किस प्रकार बोला गया है, और कारक मतलब लकार मतलब काल, काल के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोक के माध्यम से कारक तथा क्रिया के लकारों के माध्यम से क्रिया का बोध कराया गया है। ये जो प्रथम जो मतलब जो श्लोक है, सात श्लोक में क्या बोला गया है, कारक बोला गया है, और अंतिम पांच श्लोक में लकार, लकार मतलब काल का वर्णन है। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग श्लोक। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। उद्यम मतलब परिश्रम, जिसको तो बोला जाता है परिश्रम। साहस मतलब साहस, हिम्मत, साहस मतलब उत्साह या हिम्मत। धैर्य मतलब धीराज है ना, बुद्धि और शक्ति, शक्ति से जानते हैं। पराक्रम मतलब दूसरे को, दूसरों को विजय करना। तो मतलब षटेश मतलब छः। तत्र वर्तन्ते, वर्तन्ते मतलब है। तत्र वहाँ, देवः सहायक, सहायक मतलब सहायक या सहायता करने वाला। तो अर्थात उद्यमः साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेश तत्र वर्तते तत्र देवः सहायते। अर्थात जिस व्यक्ति के पास, व्यक्ति में उद्यम है, साहस है, मतलब धैर्य मतलब धीरज है, बुद्धि है और शक्ति है, पराक्रम की शक्ति मतलब पराक्रम है ना, पराक्रम जिसको बोला जाता है पराक्रम, ये छह गुण हैं, उनकी देवता भी सहायता करते हैं, उनको क्या है देव